हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। तो मैं हाजिर हो गया हूँ आपके सामने लेकर 9th क्लास बायो का पहला चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सेल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सेल होता क्या है? तो जिस तरह एक घर का सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ब्रिक होता है, उसी तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, जो उनके ब्रिक्स की तरह, उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह होता है, उसे क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। सेल के बहुत सारे फंक्शंस भी होते हैं जिनको हम इस चैप्टर में आगे देखेंगे भी। ठीक है, तो सबसे पहले सेल को क्वाइन कौन किया? सबसे पहले सेल टर्म क्वाइन किया गया बाय रॉबर्ट हुक। ठीक है, इन 1665 उन्होंने क्या किया, एक कॉर्क स्लाइस लिया, ठीक है, और उसे सिंपल माइक्रोस्कोप के अंडर देखा तो क्या पाया? हनीकॉम्ब, ठीक है, मधुमक्खी की छत्तों जैसी शेप पाई। ठीक है, और उनको नाम क्या दिया? सेल्स। ठीक, सेल का लैटिन मीनिंग क्या है? सेल का लैटिन मीनिंग है लिटिल रूम्स, ठीक है, छोटी स्पेसेस। अच्छा, सेल थ्योरी उसके बाद आया। ठीक है, सेल थ्योरी कौन दिया सबसे पहले? स्किल्डन 1838 में। ये तीनों जर्मन साइंटिस्ट हैं बाय द वे। ठीक है, तो 1838 में स्किल्डन ने दिया, फिर 1839 में शॉन ने दिया, उसके बाद फिर 1855 में वर्को ने दिया। ठीक है, तो इन तीनों को मिलाकर मॉडिफाइड एक सेल थ्योरी बनाया गया। क्या? कि ऑल लिविंग स्पीसीज आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स और ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये वाला क्या है मांझरा, कि जो नए सेल बनते हैं ना, वो पहले वाले सेल्स के ही डिवाइड होने पे बनते हैं। सीधा बात है, ठीक है, अपने से कोई सेल वजूद में नहीं आ जाता है। ठीक है, तो ये थे कुछ सेल्स के बारे में बेसिक थ्योरी। ठीक है, उसे नोट कर लीजिए आप। तो स्टूडेंट्स, आइए हम सेल के बारे में कुछ बहुत ही अच्छे फैक्ट्स जानते हैं। ठीक है, तो पहला फैक्ट क्या है? जो लॉन्गेस्ट सेल होता है हमारी ह्यूमन बॉडी में, वो होता है नर्व सेल। जो लॉन्गेस्ट सेल अर्थ पे होता है, वो होता है ऑस्ट्रिच एग सेल। ठीक है, जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है, उसे हम बोलते हैं PPLO, प्लूरोप निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ओके, अच्छा, सेल के अंदर ना फिर डिफरेंट ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है, सेल के अंदर भी और छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं, और छोटे छोटे सब्सटेंसेस, ठीक है, पार्ट्स होते हैं, और उनका अलग अलग फंक्शन भी होता है, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो नोट कर लीजिए सब। तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने सेल और सेल के कुछ फैक्ट्स के बारे में जाना, अब आइए जानते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में। ठीक है, तो पहला होता है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो क्या क्या फीचर्स हैं इनके, आइए देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल, अच्छा, प्रो मतलब ही होता है प्रीमिटिव, ठीक है, और कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो इनका प्रीमिटिव न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो प्रीमिटिव सेल्स होते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सेल्स होते हैं। प्रीमिटिव का मतलब वो बहुत ही पुराने, ठीक है, ये सबसे पहले आए थे। यूकैरियोटिक सेल्स का मतलब क्या हो गया, ये एडवांस्ड होते हैं और कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, जेनेटिक मटेरियल जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स का, ठीक है, उनका फ्रीली होता है, बैक्टीरिया वगैरह में ना जेनेटिक मटेरियल फ्री पड़ा हुआ था उनके अंदर में। ठीक है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, उनका जो जेनेटिक मटेरियल है ना, वो एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल में होता है, न्यूक्लियस होता है जिसका नाम। ठीक, अच्छा, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं ना प्रोकैरियोटिक सेल में, तो एब्सेंट ही होते हैं, और जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स है, वो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स क्या है, अगला टॉपिक उसी के बारे में। अच्छा, साइज रेंज जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल का, उनका होता है 0.1 माइक्रोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर तक, और यूकैरियोटिक का रेंज होता है 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर का। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज भी होता है, वो छोटा होता है यूकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में। अच्छा, जो ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक सेल कंप्राइज करते हैं, ठीक है, उनको सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म ही होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, और जो यूकैरियोटिक सेल है ना, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। ठीक, अच्छा, जो ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोटिक सेल वाले होते हैं, वो क्या होता है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, और जिन ऑर्गेनिजम्स के पास यूकैरियोटिक सेल होता है, वो सेक्सुअली या एसेक्सुअली दोनों तरह से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये था फैक्ट्स प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में, नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंस के बारे में समझा, आइए अब इसे डायग्रामेटिकली समझते हैं। तो एक यूकैरियोटिक प्लांट सेल है और ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है, बैक्टीरिया।
तो बैक्टीरियल सेल में क्या क्या है, एक तो सेल वॉल है, ठीक है, पूरा सेल्यूलोज का बना होता है ये। उसके बाद राइबोसोम्स होते हैं इसमें कुछ प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह के लिए। फिर जेनेटिक मटेरियल इसका ऐसे ही पड़ा हुआ रहता है इसके साइटोप्लाज्म में, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड, ठीक है, तो न्यूक्लियस विदाउट मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो और ये जो ऐसे ही मतलब सिंपल पड़ा हुआ ये जो एरिया है इसे बोलते हैं क्या, साइटोप्लाज्म, ओके। तो साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस जो ऐसे ही पड़ा हुआ है इसका विदाउट एनी कवरिंग, तो इसीलिए उसका नाम है न्यूक्लियोइड, ठीक है। अच्छा, ये हो गया बेसिक सा प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स मेनली इन्हीं इसी टाइप के होते हैं, इनका इंटरनल स्ट्रक्चर यही होता है सेल का। अब आते हैं प्लांट सेल के बारे में। प्लांट सेल का जो सबसे आउटर कवरिंग है वो क्या है, सेल वॉल कहलाता है, ठीक है। सेल वॉल के अंदर होता है सेल मेम्ब्रेन, प्लांट सेल में। एनिमल सेल में पहला मेम्ब्रेन, पहला लेयर सेल मेम्ब्रेन ही होता है डायरेक्टली। तो सेल वॉल क्या होता है, डेड थिंग है ये, ठीक है, और सेल्युलोज का, पेक्टिन का, ठीक है, हेमी सेल्युलोज का बना हुआ होता है। उसके अंदर में होता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये प्रोटीन और फैट का बना हुआ रहता है, ठीक है, ये लिविंग ऑर्गेनल, लिविंग पार्ट है ये, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये पूरा इंटरनल जो सरफेस है सेल का वो जेल लाइक सब्सटेंस से फिल्ड अप है पूरा, साइटोप्लाज्म है वो, ठीक है। वो क्या करता है, सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है फॉर केमिकल रिएक्शंस, सारे ऑर्गेनल्स को होल्ड करता है, ठीक है, और शॉक एब्जॉर्बर की तरह भी काम करता है सेल के लिए, ओके। अच्छा, उसके ऊपर में माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस होता है सेल का, ठीक है। ये क्या करता है, सेलुलर रेस्पिरेशन के टाइम पर ये फूड से एनर्जी निकालता है, ठीक है, किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। उसके ऊपर में ये गॉल्गी बॉडी है। गॉल्गी बॉडी का काम क्या है, पैकेज करना कोई भी चीज़ को, मटेरियल जो भी सेल के अंदर सिंथेसाइज हुआ उसको पैकेज करना, स्टोर करना और ट्रांसपोर्टेशन में उसके हेल्प करना, ठीक है। गॉल्गी बॉडी का एक और काम है, गोल्गी बॉडी कुछ कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर्स में भी तोड़ता है, ठीक है, और लाइसोसोम्स को के फॉर्मेशन में भी गोल्गी बॉडी हेल्प करता है, ओके। अच्छा, स्टूडेंट्स अब आते हैं हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात करते हैं। एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, वो फैट को सिंथेसाइज करता है, रिलीज करता है, सिक्रेट करता है फैट, और पॉइजन जो होता है ना उसको न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। और जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें राइबोसोम्स होते हैं, इसी के लिए इसका नाम हो जाता है रफ, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, रफ ईआर का यही काम है, ओके। उसके बाद आते हैं हम स्टूडेंट्स न्यूक्लियस पे। न्यूक्लियस ब्रेन होता है, ठीक है, सेल का ब्रेन होता है ये, इसके बिना सेल तो मर जाएगा तुरंत, ठीक है। कुछ सेल्स होते हैं जो विदाउट न्यूक्लियस भी होते हैं, जैसे आरबीसी हमारे ब्लड के अंदर जो होता है वो विदाउट न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियस में क्या होता है, क्रोमैटिन मटेरियल होता है, ठीक है, जो कि डीएनए कैरी करता है, ठीक। जब सेल डिवीजन के लिए तैयार हो जाता है ना, तो ये क्रोमैटिन कंडेंस होकर ना थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, क्रोमोसोम, और वो क्रोमोसोम का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है रिप्रोडक्शन में। न्यूक्लियस को कवरिंग देता है कौन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और देख रहे हैं यहाँ पोर्स भी है, तो ट्रांसफर मटेरियल इन और आउट हो सके, ठीक है, इसीलिए ये पोर्स दिए हुए हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, ओके। अच्छा, उसके बाद है लाइसोसोम में। लाइसोसोम क्या होता है, एक डाइजेस्टिव बैग होता है ये, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को ये डाइजेस्ट कर सकता है, इसकी एबिलिटी इतनी होती है। तो जितने भी डेड सेल ऑर्गेनल्स हैं वो उनको यही पचाता है, ठीक है, उनको यही ख़त्म करता है। जितने भी बाहर से ऑर्गेनिजम्स आ रहे होते हैं उनको यही ख़त्म करता है। और सुसाइडल बैग भी से इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर सेल का मेटाबॉलिज्म कभी भी डिस्टर्ब हो जाए तो क्या होगा, लाइसोसोम फट सकता है, और बर्स्ट कर जाएगा तो क्या होगा, इसका डाइजेस्टिव एंजाइम पूरे सेल को ही मार देता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सुसाइडल बैग भी बोला जाता है, ओके। ये दो दिख रहे हैं, ये दाने बहुत सारे होते हैं ऐसे, तो इनको बोलते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होता है, यहाँ पे पता चल गया है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है। प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स प्लांट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है, ठीक है। क्या होता है ये कलर प्रोवाइड करता है प्लांट को, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ठीक है, उस तरह के। और क्लोरोफिल होता है, ग्रीन अगर रहता है तो उसमें क्लोरोफिल है, और वो क्या करेगा, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस बन जाता है, ठीक है। तो प्लास्टिड्स हो गए ऐसे ऑर्गेनल्स। फिर आता है वैक्यूल। वैक्यूल देख रहे हैं आपको,
60 टू 90% एरिया जो सेल का होता है प्लांट में, ठीक है, प्लांट सेल का एरिया वॉल्यूम, वो कौन रहता है स्पेस, उसको कौन घेरे रखता है? वैक्यूल, ठीक है। ये क्या करता है, ये लिक्विड और सॉलिड मटेरियल्स को स्टोर करता है अपने अंदर, ठीक है। तो ये था एक यूकैरियोटिक सेल, प्लांट सेल के बारे में पूरी नॉलेज, ठीक है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एक होता है और प्लास्टिड, ये दोनों ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स हैं। ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स का मतलब क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स के पास खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स दो क्या है, ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स हैं, ओके। तो ये था प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक प्लांट सेल का, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। तो स्टूडेंट्स, हमने यूकैरियोटिक प्लांट सेल के बारे में देख लिया है, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल सेल को हमने देख लिया, अब हम एनिमल सेल को स्टडी करते हैं, ठीक। तो आउटर मोस्ट कवरिंग एनिमल सेल्स में सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई रहती है, लिपिड मतलब फैट, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं न्यूक्लियस पे, न्यूक्लियस बीच वाला सेंट्रल पोर्शन है, ठीक है, ये ब्रेन ऑफ द सेल होता है, ठीक है। क्रोमैटिन कंटेन करता है और उसके अंदर डीएनए रहता है, ठीक। इसको कवर करके जो मेम्ब्रेन रखता है उसका नाम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स है ताकि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स हो सके। सेल मेम्ब्रेन में भी पोर्स हैं ताकि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल हो सके, ओके। उसके आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, दो टाइप के हैं, रफ ईआर और स्मूथ ईआर, जैसा कि प्लांट सेल में थे। रफ ईआर क्यों, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है ये, ठीक है, सर्कुलर सर्कुलर। क्या काम करते हैं रफ ईआर, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। स्मूथ ईआर का काम क्या है, लिपिड सिंथेसिस और पॉइजन डिटॉक्सिकेशन का भी काम होता है, ठीक है। राइबोसोम्स क्या होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं ऑर्गेनल्स। फिर आता है गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडीज का काम क्या है, पैकेजिंग का, स्टोरिंग का, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट में हेल्प करने का। अच्छा, उसके बाद आता है लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स को बनने में तो यही मदद करते हैं गोल्गी बॉडी। और लाइसोसोम्स क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनके पास होते हैं, क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड मटेरियल को डाइजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और सुसाइडल बैग्स क्यों होते हैं, इसके बारे में जिक्र हमने कर ही लिया है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस होता है किसी भी सेल का, क्योंकि एनर्जी यहीं से रिलीज होती है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ रेस्पिरेशन। तो ये था हमारा बेसिक एनिमल सेल, ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, आइए अब हम जानते हैं सेल में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो पहले हम चार कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहला हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा हो गया सेल वॉल, तीसरा हो गया न्यूक्लियस और चौथा हो गया साइटोप्लाज्म, ठीक है। इनके बाद हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनल्स, कि सेल के अंदर और कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। जो ये चारों होते हैं ना, ठीक है, तो ये सारे सेल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है और बैक्टीरियाज वगैरह में, ठीक है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में। तो पहला है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन किसी भी सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग है, ठीक है। प्लांट सेल में ऑब्वियसली सेल वॉल सबसे आगे हो जाता है, उसके बाद आता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। लेकिन सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट कवरिंग होता है जनरली, ठीक है। ये पोरस होता है, इनमें पोर्स होते हैं स्मॉल स्मॉल। तो पोर्स क्या करते हैं, वो सेलेक्टिवली परमिएबल बनाते हैं सेल को, मतलब कुछ स्पेसिफिक आइटम्स को या सब्सटेंसेस को ही अलाउ करते हैं इन और आउट होना, ठीक है। ऐसा नहीं कि सारे सब्सटेंसेस को, सेलेक्टिवली परमेबल, सेलेक्टिव होते हैं वो, ठीक है, बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव, चूजी होते हैं कि हमें ये सब्सटेंस इन करना है, हमें ये सब्सटेंस आउट करना है, किसी भी सब्सटेंस को वो इन नहीं कर लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए उनका नाम है, उनको सेलेक्टिवली परमिएबल फंक्शन करने वाला बोला जाता है। अच्छा, और क्या है, पोर है तो क्या करेगा, गैसेस मूवमेंट भी अलाउ करेगा भाई, कि ऑक्सीजन चाहिए, CO2 रिलीज करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए, पोर्स चाहिए। उसके बाद क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग है ना ये, तो क्या करेगा, सेल ऑर्गेनल्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी जो होता है सेल मेम्ब्रेन का, ठीक है, वो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि अमीबा में क्या होता है ना, अमीबा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकाल के ना घेरता है अपने फूड को और फिर इनगल्फ कर लेता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस, ठीक है। तो वो अलाउ करता है, क्यों, इसका फ्लेक्सिबिलिटी जो सेल मेम्ब्रेन का है ना, वो अलाउ करता है उसको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाने के लिए और फूड को इनगल्फ करने के लिए, ठीक है। तो उस प्रोसेस का नाम होता है एंडोसाइटोसिस इन अमीबा लाइक ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, अब आते हैं सेल वॉल पे। सेल वॉल मेनली प्लांट सेल्स में ही होता है, ठीक है। अच्छा, इसका काम क्या, एबव सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन से पहले होता है। इसका बना क्या चीज़ से होता है, सेल्युलोज और पेक्टिन से,
ठीक है, ये बहुत ज़्यादा टफ होता है, रिजिड हो जाता है इससे प्लांट सेल, ठीक है। तो क्या करता है, रिजिडिटी और एक शेप, डेफिनेट शेप प्रोवाइड कर देता है, ठीक है, प्लांट सेल को, ठीक है। अगला क्या हो जाता है, अब क्योंकि ये टफ रहता है, इसके कारण क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल्स भी क्या हो जाते हैं, प्रोटेक्टेड हो जाते हैं इंजुरीज से, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इनके पास भी पोर्स होता है जो कि मूवमेंट करते हैं, अलाउ करते हैं मटेरियल्स का इन और आउट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है ना, कि मान लीजिए अगर सेल बहुत ज़्यादा डाइल्यूट मीडियम में रख दिया गया है तो क्या होगा, पानी जो है, फ्लूइड जो है, वो इनसाइड आने शुरू हो जाएगा सेल के, ठीक है। तो क्या होगा, सेल फूलने शुरू हो जाएगा, सेल फूलने शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, सेल में प्रेशर बढ़ते जाएगा, ठीक है, सेल वॉल में प्रेशर बढ़ता जाएगा। लेकिन क्योंकि सेल वॉल बहुत टफ होता है, इसीलिए वो बर्स्टिंग को प्रिवेंट कर देता है। अगर हम वही नॉर्मल सेल्स की बात करें जिसमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होता है ना, तो अगर हम उसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो क्या होगा, सेल के अंदर फ्लूइड घुसता जाएगा डाइल्यूट मीडियम में, और फ्लूइड घुसने के कारण क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन फूलता चला जाएगा, सेल फूलता चला जाएगा तो मेम्ब्रेन क्या होगा, एक लिमिट तक ही ना विदस्टैंड कर सकता है प्रेशर, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन क्या होगा, फट जाता है। तो फायदा यही होता है सेल वॉल होने का ना, कि वो प्रोटेक्ट करता है सेल्स को बर्स्ट करने से, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए हम प्लांट सेल को रख दें किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है, तो क्या होगा, वाटर जो होगा वो सेल से बाहर जाने लग जाएगा, तो सेल श्रिंक कर जाता है, ठीक है। तो सेल विद सेल मेम्ब्रेन श्रिंक कर जाएगा, लेकिन सेल वॉल क्या है, वहीं का वहीं रह जाता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस की, ठीक है। तो न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस होता है ब्रेन और कंट्रोलिंग सेंटर होता है सेल का, ठीक। वो क्या कंटेन करता है, डीएनए कंटेन करता है। कहाँ पे कंटेन करता है, क्रोमैटिन में, ठीक है। और क्रोमैटिन फिर जैसे जैसे डिवीजन आता है, ठीक है, जैसे सेल डिवीजन स्टार्ट होगा तो क्रोमैटिन कंडेंस होकर ना क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो ना सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि बच्चा जो होगा पैदा वो फीमेल होगा या मेल होगा, ठीक है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रिप्रोडक्शन में, इसी तरह बताया मैंने क्रोमोसोम्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन में। और फिर क्या होता है, सेल जो न्यूक्लियस होता है इनका, न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है जो कि पोरस होता है। ये भी क्या करेगा, सर्टेन मटेरियल्स को इन और आउट अलाउ करता है, ओके। तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। अब आते हैं साइटोप्लाज्म पे। साइटोप्लाज्म क्या रहता है, साइटोप्लाज्म जेली लाइक स्ट्रक्चर, जेली लाइक सब्सटेंस रहता है पूरे सेल के अंदर, ठीक है। वो क्या करता है, वो उसी में सेल ऑर्गेनेल्स ना सस्पेंडेड होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं आगे, ठीक है। अच्छा, साइटोप्लाज्म क्या होता है, सरफेस प्रोवाइड करता है रिएक्शंस के लिए, रिएक्शंस जो भी होने ना उनके उनके लिए सरफेस प्रोवाइड करता है, ओके। और क्या करता है, शॉक एब्जॉर्बर की तरह एक्ट करता है, जो भी इंजुरीज वगैरह अचानक से एक्सीडेंट होगा तो उस टाइम में जो शॉक लगता है सेल को वो उसको एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि वो फ्लूइड जेली लाइक सब्सटेंस है ना, तो ऑर्गेनल्स बच जाते हैं क्योंकि ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम कर लेता है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसे। तो स्टूडेंट्स, आइए अब हम सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में समझते हैं, ठीक है। सबसे पहला सेल ऑर्गेनेल हो जाता है हमारे लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ईआर। तो ये क्या होता है, ये नेटवर्क होता है ट्यूब्स का, ठीक है, बहुत डेंसली रहता है ये किसी भी पार्ट में, रीजन में सेल के, ठीक है। दूसरा हो जाता है, अब पॉइंट आ जाता है कि ईआर कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो ईआर होते हैं दो टाइप के, रफ ईआर और स्मूथ ईआर, ठीक है। रफ ईआर में क्या होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है, इसीलिए राइबोसोम्स होते हैं स्मॉल ऑर्गेनल्स, ठीक है, सर्कुलर स्फेरिकल ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। क्या उनका काम रहता है राइबोसोम्स का, प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में हेल्प करते हैं वो, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस में। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों हो जाता है, राइबोसोम जब उस पर प्रेजेंट हो, और स्मूथ कब हो जाता है, जब राइबोसोम एब्सेंट हो, ठीक। अच्छा, राइबोसोम का काम क्या है, राइबोसोम का काम है ट्रांसपोर्ट करना सब्सटेंसेस को, ओके। उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो फैट को सिंथेसाइज करता है, फैट का दूसरा नाम लिपिड भी होता है, ठीक। अच्छा, राइबोसोम जो होता है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उसको उसके बारे में तो मैंने बता ही दिया, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। अच्छा, प्रोटीन और फैट जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है, ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है किसका, सेल मेम्ब्रेन का। स्टूडेंट्स, सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो प्रोटीन का जो छोटा छोटा पार्टिकल्स होता है ना, वो सी ऑफ फैट या लिपिड्स में रहता है, ठीक है। ज़्यादातर मेजॉरिटी पार्ट जो सेल मेम्ब्रेन का रहता है वो क्या रहता है, लिपिड या फैट, ठीक है। और उनमें प्रोटीन के ग्लोब्यूल्स होते हैं, ठीक है।
तो उस तरह का स्ट्रक्चर होता है सेल मेम्ब्रेन का, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन को जो प्रोटीन और फैट की रिक्वायरमेंट है बिल्डिंग के लिए अपनी, वो कौन प्रोवाइड करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी फैट और प्रोटीन प्रोवाइड करता है ना, उनमें से ये सब चीज़ें एंजाइम्स और हार्मोन्स की तरह भी एक्ट करती हैं, ठीक है, बहुत सारे रिएक्शंस में। अच्छा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रोल क्या है ना, वो पॉइजंस को डिटॉक्सिफाई करता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं गॉल्गी बॉडी की। गॉल्गी बॉडी का ये जो नेम है ना, वो उनको डिस्क्राइब करने वाले सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे कैमिलो गॉल्गी, उनके ऑनर में रखा गया, ठीक। अच्छा, ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं, ठीक है, पैरेलली स्टैक्ड रहते हैं, ठीक है, उन स्टैक्स को सिस्टर्न्स बोलते हैं हम देखेंगे इन सब के डायग्राम्स को अभी। अच्छा, ये हमेशा आसपास ही रहता है किसके? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। क्यों ऐसा जरूरी? क्योंकि जो भी मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज होता है, उसको पैकेज करना, ठीक है, और डिस्पैच करना बाहर और इवन अंदर सेल के, उस किसका काम है? गॉल्गी बॉडी का, ठीक है। सेल के अंदर भी डिस्पैच करता है, सेल के बाहर भी डिस्पैच करता है, ठीक है। उसके बाद गॉल्गी बॉडी का और क्या काम है? स्टोरेज, स्टोर करना, मॉडिफाई करना जो भी मटेरियल सिंथेसाइज हुआ, ठीक है, और पैकेज करना, उसके बारे में तो हमने पढ़ ही लिया। गॉल्गी बॉडी का एक काम और भी है कि कुछ कॉम्प्लेक्स शुगर्स को ना सिंपल शुगर में तोड़ देता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद गॉल्गी बॉडी का एक और इंपॉर्टेंट रोल क्या है ना, लाइजोसोम्स को फॉर्म करता है, हेल्प करता है उनके फॉर्मेशन में, ठीक है। लाइजोसोम्स क्या है? वो भी एक सेल ऑर्गेनेल है, उनके बारे में भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगला आ जाता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा पावर हाउस होता है सेल का, ठीक है। जो सेल का रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन का मतलब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करके एनर्जी निकालना, कौन सा? ATP। तो ATP रिलीज करता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, किससे? ग्लूकोज से करवाता है, ठीक है, इसीलिए उसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, ठीक है। इसका भी दो मेम्ब्रेन होता है, एक आउटर और एक इनर। आउटर मेम्ब्रेन पोरस होता है, ठीक है, पोर्स होते हैं उसमें, और इनर मेम्ब्रेन जो होता है ना वो फोल्डेड रहता है, फोल्ड्स होते हैं उसमें बहुत सारे। तो फोल्ड का होने का फायदा क्या है? वो लार्ज सर्फेस एरिया प्रोवाइड करता है केमिकल रिएक्शन होने के लिए, ठीक, ताकि वो ATP रिलीज हो सके, ओके। अच्छा, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे इंपॉर्टेंट एक कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है ना, कि इनके पास खुद का DNA और राइबोसोम होता है। तो DNA और राइबोसोम होने का मतलब क्या हो गया? वो ऑटोनोमस ऑर्गेनल हो जाता है, ठीक है। एक और ऑटोनोमस ऑर्गेनल है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे, प्लास्टिड्स, वो सिर्फ प्लांट्स में होता है, ठीक। अच्छा, राइबोसोम्स होने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? अपना प्रोटीन खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं, ओके। तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अब आते हैं लाइजोसोम्स के बारे में। लाइजोसोम्स के बारे में हमने यहाँ एक लाइन डिस्कस किया कि गॉल्गी बॉडी हेल्प करता है इनके फॉर्मेशन में। स्टूडेंट्स, अब आते हैं लाइजोसोम्स के बारे में। लाइजोसोम्स के बारे में हमने अभी देखा कि गॉल्गी बॉडी हेल्प करता है लाइजोसोम्स के फॉर्मेशन में। तो लाइजोसोम्स होते क्या हैं? ये बैग्स रहते हैं सेल्स में, सेल, ठीक है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, सेल ऑर्गेनेल रहता है सेल में। क्या काम है इसका? इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहते हैं, बहुत ही पावरफुल रहते हैं, ठीक है, वो किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो जो भी फॉरेन बॉडी आ रहा होगा या जो भी डेड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं ना, उनको डाइजेस्ट करके ख़त्म कर देता है, ठीक। अच्छा, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम लेकिन लाइजोसोम्स के साथ पता है क्या है? अगर कभी भी सेल कुछ डिस्टर्ब्ड हो गया, ठीक है, कुछ इंटरनल डिस्टरबेंस अगर सेल में आ गया, सेलुलर डिस्टरबेंस अगर क्रिएट हो गया सेल में, तो लाइजोसोम्स बर्स्ट कर सकते हैं। और अगर लाइजोसोम्स बर्स्ट कर गए तो इनका डाइजेस्टिव एंजाइम जो है ना, वो सेल को ही पूरा डाइजेस्ट कर जाता है। तो इनको इसीलिए सुसाइडल बैग्स भी बोला जाता है, ओके। अब आते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स होते हैं कहाँ? प्लांट्स के पास होते हैं, ठीक है। दो तरह के प्लास्टिड्स होते हैं, एक होते हैं क्रोमोप्लास्ट और एक होते हैं ल्यूकोप्लास्ट्स, ठीक है। तो क्रोमोप्लास्ट क्या करते हैं? एक कलर्ड प्लास्टिड्स हैं, कलर प्रोवाइड करते हैं, ऑरेंज, येलो कलर, ये सब प्रोवाइड करते हैं कलर, ठीक है, प्लांट्स को, लीव्स को, फ्रूट्स को, ठीक। ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या है? ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं। तो इनका काम मेनली स्टोरेज का होता है, स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन्स, इनको स्टोर करना, ओके। अच्छा, एक प्लास्टिड होता है क्लोरोफिल जिसमें प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं हम क्या? क्लोरोप्लास्ट्स, ठीक है। एक क्रोमोप्लास्ट के अंदर ही आ जाते हैं, ये भी ग्रीन कलर के होते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट इनको स्पेशली नाम दिया गया है, ठीक है, क्लोरोफिल होता है क्योंकि इसमें, ठीक। अच्छा, ल्यूकोप्लास्ट स्टोर करते हैं, इनके बारे में बात कर लिया हमने। प्लास्टिड्स भी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स होते हैं जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। क्यों? क्योंकि इनके भी पास अपना खुद का DNA और राइबोसोम होता है, ठीक है। एक और सेल ऑर्गेनल है जिसका नाम है वैक्यूल, ठीक है। वैक्यूल क्या होता है? वैक्यूल एनिमल सेल्स में तो छोटा होता है, प्लांट सेल्स में काफ़ी लार्ज एरिया मतलब कंटेन करता है, ठीक है, 60-90% एरिया प्लांट सेल्स में वो कंटेन करता है। वैक्यूल्स का काम भी स्टोरेज का ही होता है, अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, स्टार्च, फैट सबको स्टोर करता है, ठीक है, और भी बहुत सारे मटेरियल्स जो भी सेल को अपने लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट हैं उनके, ठीक है।
तो उनको स्टोर करता है वैक्यूल। वैक्यूल का काम और क्या है, वैक्यूल का काम है वाटर स्टोर करना भी, ठीक है, सेल का शेप को मेंटेन रखता है वो, ठीक है। और वैक्यूल बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में ना फूड वैक्यूल की तरह यूज़ करते हैं टेम्प्ररी, जैसे अमीबा हो गया, ठीक है। और बहुत जगह वैक्यूल्स को ना एज ए एक्सक्रेटरी ऑर्गन भी यूज़ किया जाता है। उसमें क्या होता है, सारा सारा अनडाइजेस्टेड वेस्ट डाल दिया जाता है और फिर वो कहीं से सरफेस से बर्स्ट करा के उसे रिलीज़ करा दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया फंक्शन किसका, वैक्यूल का, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा इसे आप। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ लेते हैं। इससे पहले आप वैक्यूल्स के बारे में नोट कर लीजिएगा, जैसा मैंने बताया यहीं तक है वैक्यूल्स का, इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या है, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन पहला होता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन जो कि डाइल्यूट होता है, मतलब उसमें पानी का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू सेल। अगर हम सेल को उसमें रख देंगे, अगर हम सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख देंगे तो क्या होगा, पानी जो होगा वो सेल के अंदर मूव करना शुरू कर देगा, क्योंकि सेल में तो पानी की कमी है और सेल क्या होता है, स्वेल कर जाता है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया था सेल वॉल के टाइम पे कि सेल वॉल ही प्रोटेक्ट करता है सेल स्वेलिंग के कारण जो बर्स्ट होने हो सकता है उसके उससे, ठीक है। सेल वॉल ही प्रोटेक्ट करता है बर्स्टिंग को जब वो होता है किसमें, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, जब सेल स्वेल करने लगता है। अब आते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन पे। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्यूशन का वाटर कंसंट्रेशन और सेल के अंदर का वाटर कंसंट्रेशन, ठीक है, दोनों सेम रहता है, तो कोई एक्सचेंज नहीं होता है, वाटर का कोई मूवमेंट नहीं होता है, उसके कारण सेल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उसके साइज और शेप में। तीसरा हो जाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, वाटर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में जो होता है वो कम होता है इन कंपैरिजन टू द सेल, तो क्या होता है, पानी सेल के अंदर से बाहर सॉल्यूशन में जाने लगता है, उससे क्या होता है, सेल श्रिंक कर जाता है, ठीक है। तो प्लांट सेल में ये फेनोमेना देखा गया क्या, कि मान लीजिए प्लांट सेल है, सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, अंदर वाला ये जो पोर्शन है ये है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये भी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक। तो क्या देखा गया, जब प्लांट सेल, नॉर्मल प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा गया, ठीक है, तो क्या हुआ, वो श्रिंक कर गया। कौन सा पोर्शन श्रिंक किया, जो सेल मेम्ब्रेन वाला पोर्शन है, अंदर वाला पूरा पार्ट श्रिंक कर गया। सेल वॉल तो टफ रिजिड सी चीज होता है ना, ठीक है, मेनली नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं इसके, तो वो श्रिंक नहीं करता है, ठीक है, वो वैसे ही का वैसे ही रह जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस, यहाँ लिख देता हूँ श्रिंक, ठीक है, ये नॉर्मल प्लांट सेल, ठीक है, ये नॉर्मल प्लांट सेल है, श्रिंक हो गया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, इसका सेल मेम्ब्रेन से लेके सब कुछ, सेल मेम्ब्रेन इंटरनल ऑर्गन सारे श्रिंक कर गए, क्यों, क्योंकि वाटर का लॉस हो गया है और सेल वॉल वैसे ही का वैसे ही रह जाता है। तो ये जो कंडीशन होता है प्लांट सेल में उसको बोलते हैं क्या, प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा इसे। तो स्टूडेंट्स बहुत से बच्चों को डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस प्रोसेस में कन्फ्यूजन है, तो आइए अब उसे समझते हैं, ठीक। तो डिफ्यूजन ना बेसिकली टू वे प्रोसेस है, इसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों मूव करते हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन के क्रॉस, ठीक है, या बाउंड्री के क्रॉस, ताकि अपने वो कॉन्सेंट्रेशन को बराबर कर सकें, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, खाली डॉट्स जो हैं वो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और ग्रीन डॉट्स जो हैं वो O2 है, ठीक है, तो सॉल्वेंट हो गया वाटर और ऑक्सीजन हो गया उसका सॉल्यूट, ठीक। अब बाहर में जो लेयर है, ये बाहर में जो एरिया है, अब बाहर में जो लेयर है, ये जो बाहर में एरिया है, उसमें क्या है, ग्रीन डॉट्स ज़्यादा हैं, ऑक्सीजन ज़्यादा है और वाटर मॉलिक्यूल्स कम है, अंदर में ऑक्सीजन कम है वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर से बाहर की तरफ मूव करेंगे और जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है वो बाहर से अंदर की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया डिफ्यूजन, इसे बोलते हैं डिफ्यूजन। अब आते हैं स्टूडेंट्स ऑस्मोसिस पे। ऑस्मोसिस के ऑस्मोसिस में मूवमेंट सिर्फ सॉल्वेंट का होता है,
ठीक है, जनरली लिक्विड आइटम होता है ये, ठीक है, वाटर वगैरह, सिर्फ सॉल्वेंट का होता है, फ्रॉम हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन। क्यों? इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के कारण। ये साइज जिन मॉलिक्यूल्स की छोटी होगी ना उन्हें ही अलाउ करेगी, ठीक है। तो सॉल्वेंट की ऑब्वियसली मॉलिक्यूल्स छोटे होते हैं साइज, तो सॉल्वेंट्स को अलाउ कर देगा फ्रॉम हायर टू लोअर जाने के लिए, और बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को वो जाने नहीं देता है। जैसे एग्जांपल है, इसमें जो खाली डॉट्स हैं वो वाटर के हैं, और ये जो ग्रीन डॉट्स हैं ये ग्लूकोज है, ठीक है। अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में क्या हो रहा है? अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स के अलाउ करेगा पास करना, क्योंकि इसका जो गैप है वो बहुत छोटा है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इससे पास हो ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो जाता है ऑस्मोसिस का, ठीक है। सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स लिक्विड मॉलिक्यूल्स इससे पास करती हैं थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एंड दैट इज नोन एज ऑस्मोसिस। तो कभी भी स्टूडेंट्स, वाटर मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर या बाहर जाएंगे तो कौन सा प्रोसेस हो गया? ऑस्मोसिस हो गया, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए, स्टूडेंट्स, आपका फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो टॉपिक है, 9th क्लास बायो का पहला चैप्टर, वो ख़त्म हो गया है, ठीक है। कोई भी क्वेरीज हो प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और कैसा रहा आपका ये टॉपिक, ठीक है, मेरे साथ प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये भी शेयर करें। मैं आपका प्रॉब्लम्स ज़्यादा से ज़्यादा सुनना चाहता हूँ ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर कर सकूँ, ठीक है। तब तक के लिए जम के पढ़ते रहें।